अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है बेबी शू सोल की। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 3 ply वुल चाहिए, 3 mm हुक चाहिए, सीजर एंड इंच स्टिक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे सोल थोड़ा सा हार्ड बनाना है, इसलिए मैंने डबल यार्न यूज़ की है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं बनाऊँगी 13 chain। 13 chains बनाने के बाद ये 30 stitches रेडी हो गई है। मैंने फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड में मैंने ऐसी किया। यहाँ पे स्टिच मार्कर आप लोगों ने लगाना है। इसके अलावा अब मुझे 10 stitches में अब मुझे 10 chain में 10 times ऐसी बनाना है। ईच ऐसी इन ईच चेन 10 दफ़ा कंप्लीट होने के बाद ये मेरा 10th ऐसी है। अभी जो मेरे पास लास्ट चेन थी इसमें मैं 3 times ऐसी बनाऊंगी। अब दोबारा वही चीज़ रिपीट होगी, 10 ऐसी इन 10 chain और लास्ट स्टिच में मैं 2 times ऐसे इंसर्ट करूंगी। ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। हमारे पास टोटल बनेंगे 26 ऐसे। ये मैं बेबी सोल 3 to 6 month बेबी का बना रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं आऊँगी सेकेंड राउंड की तरफ। अब सेकेंड राउंड पे अब मैंने स्टार्ट की है। एक चेन मैंने ले ली। अब इसी स्टिच में मैं 2 times ऐसी करूँगी। ये 2 ऐसी बन गए। इसके अलावा मुझे 10 ऐसी और बनाने हैं। 1 ऐसी इन ईच स्टिच। टोटल मेरे पास हो जाएंगे 12 ऐसी। इनको भी काउंट करके ये मेरे पास पूरे 12 ऐसी हो गए हैं। अब नेक्स्ट 3 stitches में मुझे 6 ऐसी बनाने हैं, यानी 2 ऐसी इन ईच स्टिच। अब ये मेरे पास हो जाएंगे 6 ऐसी। अब सेम उसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। 12 ऐसी पहले मैं बनाऊंगी और लास्ट 2 stitches में 4 times ऐसी, यानी ईच स्टिच में 2 times ऐसी। जो पहले 2 ऐसी इंसर्ट किए थे और 4, ये टोटल हो गए 6। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मेरा 3rd round है। एक चेन लेके 7 ऐसी बनाने हैं मुझे। सेवन ऐसी बना के 3.5 DC इन ईच स्टिच। और जो मेरे पास आगे आएंगे 6 stitches उसमें 2 DC इन ईच स्टिच। टोटल हो जाएंगे मेरे पास 12 DC। DC से हमने डबल DC से इंक्रीज करना है। 12 DC हो गए। अब दोबारा हम इसको फिर रिपीट करेंगे।
वही 3DC, 3.5DC, 7SC, फिर जो मेरे पास जो रह जाएंगे 3 स्टिचेस, 2SC इन ईच स्टिच, SC इन वन स्टिच, 2SC इन ईच स्टिच। ओवरऑल राउंड के टोटल हो जाएंगे मेरे पास 43 स्टिचेस। अभी हमें मैंने स्लिप स्टिच कर लिया, फोर्थ राउंड है। सेवन एससी बनाऊंगी, सेवन एससी इन ईच स्टिच, फिर 3.5DC, सिक्स डीसी इन सिक्स स्टिचेस, और फिर हमारे पास होंगे सिक्स स्टिचेस, उसमें हमने 12 DC बनाने हैं, 2 DC इन ईच सिक्स स्टिचेस, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 12। अगेन हम फिर दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, 6 DC, 3.5 DC और 7 SC। यहाँ तक मेरे 70 SC कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास लास्ट 4 स्टिचेस बचे हैं, जिसमें मैंने ईच स्टिच पे 2 टाइम SC करना है। टोटल मेरे पास हो जाएंगे 8 SC। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच कर लूँगी। अब हमारा 5th एंड लास्ट राउंड है। अब मैं 1 चेन लूँगी और 1 SC ओवरऑल इंचिस स्टिच में डालूंगी। टोटल मेरे पास हो जाएंगे 52 स्टिचेस। न्यू बिगनर्स के लिए मैंने इस वीडियो को अपडेट किया ताकि उनको समझने में या बनाने में आसानी हो, उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीज़ अच्छी बनती जाएगी। ये मेरा ओवरऑल जो है 52 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब मैंने इसको फास्टन ऑफ कर दिया है, अब नीडल के साथ इसको और हाइड कर दूंगी। अभी हमारा बेबी शू सोल रेडी हो गया है। ये है 4.5 इंचेस, 3 to 6 month बेबी का है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।